हाय दोस्तों, मेरा नाम सूर्य होता है। आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। सलमान खान ने नेपोटिज्म को लेकर एक दिन पहले बहुत कुछ बोला, इतना कुछ बोला कि सब बॉलीवुड सुपरस्टार्स को उनको सपोर्ट करना चाहिए और यहां पर किसी ने भी उनका सपोर्ट नहीं किया है और इस वजह से मैं खुद काफी नाराज हूं। और वो क्यों नाराज हूं मैं आपको रीजन बताता हूं। 4 से 5 महीने से हमने ये देखा बॉलीवुड को किस तरह से ट्रोलिंग किया जा रहा था। बॉलीवुड बंद होना चाहिए, फिल्में बंद होनी चाहिए, हम नहीं देखेंगे, बहिष्कार करेंगे हम लोग, नेपोटिज्म फैलाता है बॉलीवुड, फेवरेटिज्म फैलाता है बॉलीवुड। इन सबको लेकर इतना ज्यादा इश्यूज क्रिएट हुआ कि थक हार के 4 से 5 महीने बाद जब सुशांत सिंह का केस ठंडा हुआ तो करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, सलमान, शाहरुख, आमिर, अजय, अक्षय, इन सब के प्रोडक्शन हाउस यानी इन सब ने 38 प्रोड्यूसर्स ने प्रधानमंत्री को और बाकी लॉ एंड ऑर्डर को ये चिट्ठी लिखी कि भाई हमें खतरा है कुछ यूट्यूबर्स, कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या उन लोगों से जो बॉलीवुड को पूरी तरह से तोड़ना चाहते हैं। सबसे पहली आवाज नेपोटिज्म के खिलाफ उठाई थी जया बच्चन ने, कुछ है ना बात को लेकर आपको याद होगा, और रवि किशन ने जब कुछ ज्यादा ही टॉन्ट मारा था तो कि जिस थाली में खाते उसी में छेद कर रहे, ऐसा जया बच्चन ने कहा था। लेकिन प्रॉपर तरह से एक बड़ा बॉलीवुड सेलिब्रिटी कभी सामने नहीं आया, इंक्लूडिंग करण जौहर जो इतना कुछ बोलते हैं, या आदित्य चोपड़ा, ये लोग कभी सामने बोलने नहीं है नेपोटिज्म के बारे में। लेकिन हाँ, याद होगा आपको लक्ष्मी बम का जब प्रमोशन स्टार्ट हुआ, जब ट्रेलर वगैरह आना स्टार्ट हुआ, उसके 1-2 दिन पहले अक्षय कुमार ने 4-5 मिनट का वीडियो बनाकर लोगों से हाथ जोड़ा और लोगों से साफ साफ अपील की कि भैया ये चीजें गलत हो रही है, ऐसा कुछ नहीं कि बॉलीवुड में सब बुरे लोग हैं। अक्षय कुमार ने वहां पर ये भी कबूला था कि हाँ मैं मानता हूं कि ड्रग्स का सेवन होता है, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन हर तरह से हर कोई गलत नहीं है बॉलीवुड में। लेकिन वो भी जो इम्पैक्ट था वो अफकोर्स लोगों को अच्छा लगेगा, लेकिन सलमान खान ने मेरे ख्याल से जो बोला है एज एन ऑनेस्ट पर्सन, उसमें ज्यादा ऑनेस्टी और ज्यादा क्लैरिटी दिख रही है। और सलमान खान, अफकोर्स अक्षय कुमार ने सही बोला, नो डाउट, बट सलमान खान का जो स्टेटमेंट था परसों वाला वो इतना अच्छा था कि सभी बॉलीवुड एक्टर्स को उसे टैग करके सोशल मीडिया पे शेयर करना चाहिए था। दोस्तों ये वक्त था, जैसे 38 प्रोड्यूसर्स से मिलके कंप्लेन किया तो यहाँ पे क्यों नहीं किया, ये मेरा मानना, ये मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि सलमान खान ने उस नेपोटिज्म की वीडियो में साफ साफ अक्षय का नाम लिया, साफ साफ अजय देवगन का नाम लिया, साफ साफ शाहरुख खान का नाम लिया, सनी देओल, बहुत सारे एक्टर्स का नाम लिया और नेपोटिज्म को बहुत क्लियरली डिफाइन किया कि नेपोटिज्म क्या है एग्जैक्टली, फेवरेटिज्म क्या है एग्जैक्टली। बाप बेटे को अगर लॉन्च कर रहा है तो जरूरी नहीं कि वो नेपोटिज्म हो, लेकिन हाँ कोई टैलेंट को अगर सामने नहीं ला रहा, अगर वो कर सकता है तो उधर हाँ गलत है। तो जिस तरह से सलमान खान ने बहुत अच्छे से कहा था, मेरे ख्याल से वो वीडियो सोशल मीडिया पे लोगों ने शेयर किया, पब्लिक ने भी शेयर किया, लोगों ने किसी ने हेट भी नहीं किया, तो मुझे उम्मीद थी कि बॉलीवुड के बाकी सभी एक्टर्स उसे सपोर्ट करेंगे और उसे शेयर करेंगे। लेकिन कुछ छोटे चंद लोगों ने जो ब्लू टिक वाले हैं बॉलीवुड के, उन्होंने जरूर सपोर्ट किया है सलमान खान के नेपोटिज्म वाले स्टेटमेंट को जो बिग बॉस में उन्होंने राहुल वैद्य को लेकर कहा था और जान कुमार शानू को, लेकिन बाकी बॉलीवुड से कोई बड़ी हस्ती ने वो सपोर्ट नहीं किया, ना तो उसे वीडियो को शेयर किया, जिसकी वजह से मैं काफी नाराज हूं। जब लड़ाई आपको लड़नी है बॉलीवुड के सपोर्ट में तो एक साथ मिलकर क्यों नहीं लड़े, प्रोड्यूसर्स लोगों से कंप्लेन क्यों कर रहे हैं, फॉर्मली मुंह पे आके क्यों नहीं बोलते हैं, हेटर्स ट्रोलर्स तो मुंह पे आके आपकी बदनामी करे, बुराई करे, तो वाई यू आर सो क्वाइट। इस बात का मुझे जरूर बुरा लगा कि सलमान खान ने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया उसके बाद भी बॉलीवुड ने उनका खुले तौर पर सपोर्ट नहीं किया, एंड आई एम वेरी मच अपसेट विद दैट। मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था वीडियो बनाने का, बट यस आई एम अपसेट कि बॉलीवुड को खुल के सपोर्ट करना था इस बारे में।